हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कार विमेन ट्रेंड्स। आज हम बनाएंगे पार्टी वियर गाउन जो कि फिश कट में है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, एक भी स्टेप मिस ना करें। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें। गाउन बनाने के लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। ये वाला फैब्रिक है हमारा 1 मीटर, और ये जो ब्लैक कलर में है टाफ टसल किए लिया है मैंने 3 मीटर, क्योंकि ये वेट वाइज बहुत अच्छा होता है तो इसलिए इसको 1 मीटर लिया है और ब्लैक वाले को 3 मीटर। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइनिंग की मार्किंग हमने कर ली है, ये यहाँ से ऑन फोल्ड है, देखिए इस तरह से। टोटल लेंथ है 16 इंचेस, मुझे 15 इंचेस चाहिए, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से यहाँ तक लिया है मैंने 7 इंचेस, क्योंकि नेक हम छोटा रखेंगे। यहाँ से नेक लिया है हमने 3 इंचेस, और बैक वाला है 1.5 इंचेस, उसके बाद शेप दी है, और फ्रंट वाला है 5 इंचेस। यहाँ से हमने लिया है 7.5 इंचेस, ये फ्रंट वाली मार्किंग है, तो 7 इंचेस का हाफ से हम इस तरह से 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ और लेंगे, और बैक वाला है 1.5 इंचेस यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ हमने डार्ट के लिए मार्किंग की है, डार्ट है हमारी ऑन फोल्ड करके 3.5 इंचेस यानी कि 3.5 इंच पर, और लेंथ वाइज है 5 इंचेस। अब हम दोनों पार्ट्स को अलग कर देंगे और कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट में हम यहाँ से कट करके जिप या जो कुछ भी आप लगाना चाहें ऑन फोल्ड करके हमने लिया है जो भी आपकी फिटिंग है उसका 1/4 + 2 इंच। ऊपर से शोल्डर 1/2 इंच माइनस किया है। जैसे हमने लाइनिंग की कटिंग की है वैसे हमने फैब्रिक की भी कर ली है। अब हम बचे हुए फैब्रिक में से स्लीव निकालेंगे इस तरह से तिरछा करके रखते हुए, क्योंकि स्लीव हम और ए भी निकालिए, तो जितना भी आपका फैब्रिक है अपने गैदर के हिसाब से आप उसे तिरछा करके रख लीजिए। इस तरह से हमारी दोनों स्लीव साथ में निकलेंगी। इस तरह से फैब्रिक को अनफोल्ड करना है, जितनी आपको लेंथ रखनी है आप लेंथ के हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। मैंने इसे 8 इंचेस रखा हुआ है। यहाँ से हमने लिया है 3 इंचेस और इस तरह से मार्किंग की है। हम डबल लेयर में स्लीव निकाल रहे हैं तो फिर एक स्लीव हम इस तरह से और निकालेंगे, दूसरी वाली लेयर भी हम इसी तरह से कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इससे 2 इंचेस छोटी है। बाकी का प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, नीचे से हम इसे हेमिंग या पीको करेंगे। ये हमारा 3 मीटर टाफ्टा सिल्क, इसको मैंने डबल करके ऑन फोल्ड कर दिया है। ऑन फोल्ड सिर्फ मैंने 15 इंचेस किया है, तो इस तरह से हम पहले 4 कलियाँ निकालेंगे, बाकी की कलियाँ हम बाद में निकालेंगे। इसको मैं 55 की मेज़रमेंट से बना रही हूँ, तो 15 इंचेस हमारा अपर हो गया, और ये वाली जो कलिंग है वो है 43 इंचेस की, तो ये फर्स्ट वाली कली है हमारी। ब्लैक कलर है इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, अब मैंने मार्किंग कर दिया जिससे आपको समझ में आए। ये वाला हमारा ऑन फोल्ड वाला हिस्सा है, यहाँ तक 15 इंचेस मैंने इसको ऑन फोल्ड किया है। नीचे से हमारा है 15 इंचेस, और ऊपर से हम लेंगे अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम सेंटर से एक मार्किंग करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी वेस्ट है उसका 1/4 + 2 इंच। 28 की वेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 9 इंचेस की कली ली है ऊपर से, तो ये हमारी 4 कली। फर्स्ट कली हमारी ऐसे निकलेगी और उससे छोटी वाली कली हम यहाँ से निकालेंगे उसके साइड से। फैब्रिक हमारा वेस्ट ना हो तो मैंने कलियाँ इस तरह से निकाली हैं, 2 इस तरह से और 2 इस तरह से। इस तरह से हमारी 4 कलियाँ हो गई। पहली वाली कली थी हमारी 43 इंचेस की और ये है 30 इंचेस की। फर्स्ट वाली कलियों को चारों को हम साइड में कर देते हैं, ये हमारी 4 कलियाँ हैं। और जो सेकंड वाली कली की मार्किंग की है हमने उसे भी कट करके साइड में कर देंगे। अब आती है हमारी सबसे छोटी वाली कली, इसको मैंने यहाँ से 12 इंचेस लिया है, और यहाँ से हम लेंथ वाइज ले रहे हैं 18 इंचेस। ये भी हमारी 4 कलियाँ हैं, बचे हुए फैब्रिक में से निकाली हैं। फर्स्ट वाली कली में मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्किंग की है, क्योंकि यहाँ पर हम कलियाँ जॉइंट करेंगे। अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको समझ आएगा। सेंटर से हम एक कट करेंगे ऊपर तक, यहाँ पर हम सेकंड वाली कली फंसाएंगे, फिर एक कट सेकंड वाली कली में लगाएंगे तो हम सबसे लास्ट वाली कली को फंसाएंगे। देखिए इस तरह से हमें कट करना है, यहाँ पर हमें कली को जॉइंट करना है। ये हमारी सेकंड वाली कली जो 30 इंचेस की है, तो इसको भी हम सेंटर से कट करेंगे। इसमें हम जो 18 इंचेस की हमारी कली है उसको जॉइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं
बीच वाली जो 30 इंचेस की गली है उसमें 18 इंचेस की गली को जॉइंट कर रही हूँ। इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। पहले हम थोड़ा कम ही कट करेंगे, जब बिल्कुल हमारा पॉइंट पर आ जाएगा इस तरह से तिरछा करते हुए घुमाते हुए, अगर कम लगे आपको कि कटिंग कम है तो आप थोड़ा सा और कट कर लीजिए, और बिल्कुल अच्छे से इसको इस तरह से घुमाते हुए पॉइंट से फिर जॉइंट करना है। ये हमारी सबसे छोटी वाली कली जॉइंट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम बड़ी वाली कली में इस वाली कली को जॉइंट करेंगे जो अभी हमने जॉइंट की है। ये हमारी बड़ी वाली जिसको हमने सबसे पहले कट किया था। अब जो दोनों कलियां हमने जॉइंट की हैं उसको हम इस वाली में जॉइंट करेंगे। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है तो प्लीज़ बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें लाइक करने में, शेयर करने में। जिन लोगों को भी नीड है आप प्लीज़ उन लोगों को शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं आपको सिर्फ एक कली जॉइंट करके दिखा रही हूँ, और इसी तरह से हमें सारी कलियों को जॉइंट करना है। कलियाँ हमारी जॉइंट हो चुकी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ये जॉइंट होने के बाद किस तरह से दिखेंगे और किस तरह से हमारा जो फिश कट वाला लुक आएगा। देखिए ये हमारी सबसे छोटी वाली कली है, फिर बीच वाली, उसके बाद बड़ी वाली, तो ये इस तरह से हमारा घेर आएगा। स्लीव्स को मैंने दोनों लेयर को नीचे से फोल्ड कर दिया है। अब एक कच्ची सिलाई लगाएंगे हम 5 नंबर की, उसके बाद हम इसमें गैदर डालेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक तरफ से हम थ्रेड को ट्विस्ट करेंगे और गैदर डालेंगे। इस तरह से हमें गैदर डालनी है। ये तरीका मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, और गैदर हमें सिर्फ सेंटर से डालनी है। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को तैयार करेंगे। लाइनिंग को हमने सिंपल तरीके से जॉइंट किया है, उल्टी तरफ से रखकर सीधी तरफ पलट दिया है जिससे हमारा नेक बन गया है। इसमें हमने नेक को अलग से नहीं बनाया है, उसी में फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको शोल्डर से जॉइंट करेंगे और इसके बाद हम स्लीव जॉइंट करेंगे। इसमें स्लीव को हम सिंपल तरीके से जॉइंट कर रहे हैं, हम राउंड में स्लीव को जॉइंट नहीं कर रहे हैं। फिर सारी कलियों को हमने जॉइंट कर दिया है। देखिए बहुत अच्छा घेर आया है इसका, और मैं आपको बता दूं फैब्रिक हमारा बचा हुआ था तो 35 इंचेस की 2 कलियां निकली थी हमारी, और 30 इंचेस की 2 कलियां निकली थी, तो उनको भी मैंने जो 4 कलियां थी उनके बीच बीच में फंसा दिया है, तो और भी अच्छा घेर आया है इसका। अब हम इसकी लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं, और लाइनिंग में हम लगाएंगे केन केन जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। ये मैंने 2 मीटर्स केन केन लिया है, मुझे ब्लैक कलर नहीं मिला था तो मैंने ये वाला कलर ले लिया है, बट अंदर चला जाएगा नहीं दिखेगा। इसको इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ। लाइनिंग में हम केन केन जॉइंट करेंगे तो उसके लिए मैं लाइनिंग को छोटा रख रही हूँ। लाइनिंग हम रख रहे हैं 28 इंचेस की, और 28 इंचेस के हमने 3 पार्ट्स कट किए हैं क्योंकि इस वाली लाइनिंग की वेट बहुत कम होती है, तो हम बीच में एक कली और लगाएंगे घेर को ज़्यादा करने के लिए। ए लाइन में अगर हम लगाएंगे तो घेर ज़्यादा नहीं आएगा, वो जो भी आपकी वेस्ट है उसका 1/4+2 इंच। ये ऑन फोल्ड है, अब हम इसको सेंटर से कट कर देंगे, ऑन फोल्ड वाली साइड से इस तरह से। ये मैंने कट कर दिया है, इसको इस तरह से रखेंगे और इसके बीच में एक कली और लगाएंगे इस तरह से। इसको हम जॉइंट कर लेते हैं, फिर हम इसमें कैन कैन अटैच करेंगे।
किन किन को हम इस तरह से प्लीज डालते हुए जॉइंट करेंगे। इस तरह से जॉइंट करने के बाद फिर हम इसको वेस्ट से जॉइंट करेंगे, जो हमने घेर अभी आपको दिखाया था कंप्लीट करके फ्रंट और बैक दोनों साइड इसको जॉइंट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ा सा हैंड वर्क कर दिया है जो काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। फ्रेंड्स, जब मैंने इसे चेक किया था पहनकर तो यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया था जिससे वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, उसके बाद मैंने उसको निकाल के यहाँ ज़िप लगा दिया है जो अब काफ़ी कम्फर्टेबल है पहनने में। तो इसका फाइनल लुक ये है हमारे सामने। फ्रेंड्स, शादियों का सीज़न चल रहा है तो आप इस वाली ड्रेस को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक यू।